नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शिनी। इस वीडियो में हम आपको आवास ऐप के बेनिफिशियरी लॉगिन मॉड्यूल, एफटीओ ट्रैकिंग मॉड्यूल, डैशबोर्ड और फीडबैक फीचर के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको इस ऐप के एक अन्य स्मार्ट फीचर क्यूआर कोड स्कैनर की भी जानकारी देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहले बेनिफिशियरी लॉगिन से शुरुआत करते हैं। इस मॉड्यूल के द्वारा लाभार्थी अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपने आवास का स्टेटस ट्रैक कर सकता है। अपने आवास निर्माण के विभिन्न चरणों की फोटो अपलोड कर वो उसका इंस्पेक्शन भी स्वयं कर सकता है। इसके लिए पहले ऐप को ओपन करें और बेनिफिशियरी लॉगिन पर क्लिक करें। बेनिफिशियरी लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको चार लॉगिन ऑप्शंस दिखाई देंगे। लाभार्थी अपने PMAYG रजिस्ट्रेशन आईडी या मोबाइल नंबर या आधार नंबर या MG नरेगा जॉब कार्ड नंबर को इस्तेमाल कर लॉगिन कर सकता है। इस वीडियो में हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करें, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें, अपने राज्य यानी स्टेट को सेलेक्ट करें और सबमिट पर टैप करें। वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेज दिया जाएगा। OTP एंटर करें और ओके पर टैप करें। आपके समक्ष पेज खुल जाएगा जिसमें लाभार्थी से जुड़ी पर्सनल डिटेल्स मौजूद होंगी, जैसे लाभार्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और गांव यहां पर उपलब्ध है। ऊपर से इंस्पेक्शन डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ इंस्पेक्शन डेट और इंस्पेक्शन लेवल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। फाइनेंशियल डिटेल्स टैप करने पर आप लाभार्थी की फंड डिटेल्स देख सकते हैं। इंस्पेक्शन डिटेल्स हेड में निर्माण के जिस लेवल का इंस्पेक्शन होना है उसके सामने अपलोड पर टैप करें। इंस्पेक्शन डिटेल्स विंडो खुल जाएगी। यहाँ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्यूरेसी और डिविएशन की डिटेल्स मौजूद है। एक्यूरेसी दिखाए गए नंबर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जैसे नंबर बढ़ता है एक्यूरेसी कम होती है। फोटो खींचने से पहले सुनिश्चित करें कि GPS एक्यूरेसी की वैल्यू कम से कम हो और जहां तक संभव हो सके सिंगल डिजिट की एक्यूरेसी वैल्यू को ही प्राथमिकता दें। यहां एक्यूरेसी 3 मीटर है, जिसका मतलब है कि आवास 3 मीटर के दायरे के अंदर है, जो अच्छा है। मान लीजिए एक्यूरेसी बड़ी डिजिट में है, जैसे कि 100 मीटर, इसका मतलब है आवास 100 मीटर के दायरे में कहीं भी हो सकता है। आपको ऐसी स्थिति में फोटोज को कैप्चर और अपलोड नहीं करना चाहिए। कुछ देर इंतजार करें, अपनी पोजीशन को थोड़ा बदलें और प्रोसेस को दोहराएं। जब GPS एक्यूरेसी लोअर डिजिट्स में हो तभी फोटो खींचें और अपलोड करें। डिविएशन फिगर इस इंस्पेक्शन से आखिरी इंस्पेक्शन के डिविएशन को दर्शाती है। सुनिश्चित करें कि डिविएशन फिगर लाल रंग में ना हो। अगर डिविएशन फिगर लाल रंग में है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सही इंस्पेक्शन साइट पर ना हो। आपको ऐसी स्थिति में फोटो खींचनी और अपलोड नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्शन साइट की फोटो कैप्चर करने के लिए कैमरा आइकन को क्लिक करें। हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि इंस्पेक्शन के दौरान साइट की 3 फोटोज 3 अलग एंगल से खींची जाएं। ये भी सुनिश्चित करें कि फोटो खींचते समय लाभार्थी फ्रेम में हो और जहां तक हो सके फोटो में पूरे घर को कवर करें। हमेशा कोशिश करें कि विभिन्न चरणों यानी प्रपोज साइट से कंप्लीट हाउस तक की फोटो सेम एंगल से खींचें, ताकि उन फोटोज में आसानी से कंपैरिजन हो सके। विभिन्न चरणों की फोटोज खींचते समय किसी स्थायी संपत्ति जैसे बिजली का खंभा या पेड़ को अपने फ्रेम में शामिल करने की कोशिश करें। इमेज अपलोड करते समय लाभार्थी को 3 क्वालिटीज में इमेज अपलोड करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो हैं नॉर्मल क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी। हमेशा नॉर्मल क्वालिटी में ही इमेज अपलोड करने की कोशिश करें।
अपलोड पर टैप करने से इमेजेस डेटाबेस में वेरिफिकेशन के लिए अपलोड हो जाएंगी। एक बार वेरीफाई होने के बाद इंस्पेक्शन डिटेल्स विंडो में इंस्पेक्शन स्टेज का स्टेटस अपलोडेड एंड वेरीफाइड दिखाई देगा। इसके साथ ही बेनिफिशियरी लॉगिन मॉड्यूल पूरा होता है। अब बात करते हैं एफटीओ ट्रैकिंग मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर विभिन्न एफटीओस के द्वारा इशू किए गए फंड्स की पेमेंट डिटेल्स को ट्रैक किया जा सकता है। होम पेज में एफटीओ ट्रैकिंग पर टैप करें। जारी किए गए फंड्स की पेमेंट डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए फंड्स ट्रांसफर ऑर्डर नंबर या PFMS ID एंटर करें। होम पेज में अंतिम मॉड्यूल डैशबोर्ड मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में पाई चार्ट्स के माध्यम से विभिन्न राज्यों में PMAYG के संचालन की स्थिति को दर्शाया जाता है। पहले डैशबोर्ड पर क्लिक करें और उस स्टेट को सेलेक्ट करें जिसकी प्रगति आप देखना चाहते हैं। यहाँ आप दो पाई चार्ट्स देखेंगे। पहले पाई चार्ट में राज्य के द्वारा खर्च की गई राशि और उसके पास उपलब्ध राशि का अनुपात प्रदर्शित है। दूसरे पाई चार्ट में सैंक्शन किए गए घर और जिन घरों का निर्माण पूरा हो चुका है उसके अनुपात को दर्शाया गया है। इस टैब द्वारा सभी राज्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट को मॉनिटर किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं QR रीडर की। इस फीचर द्वारा इंस्पेक्शन ऑफिसर अपने अकाउंट में लॉगिन करके लाभार्थी के पास उपलब्ध सैंक्शन लेटर से QR कोड को स्कैन कर लाभार्थी का विवरण प्राप्त कर सकता है। उसके बाद वो वहीं से ही आवास का इंस्पेक्शन कर सकता है, जिससे समय की बहुत बचत होती है, क्योंकि अधिकारी को ग्राम पंचायत और गांव को लिस्ट में से चुनकर लाभार्थी को सेलेक्ट नहीं करना होता है। उसे केवल QR कोड को स्कैन करना है और फिर इंस्पेक्शन करना है। लाभार्थी स्वयं भी इस फीचर द्वारा अपने आवास की निर्माण प्रगति को ट्रैक कर सकता है। आइए जानते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। होम पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करें। लिस्ट में से QR रीडर को सेलेक्ट करें। QR कोड स्कैनर खुल जाएगा। अब लाभार्थी के पास उपलब्ध सैंक्शन लेटर से QR कोड को स्कैन करें। लाभार्थी की PMAYG ID दर्शाई जाएगी। अब सबमिट पर क्लिक करें। यहां लाभार्थी का सारा विवरण उपलब्ध है। यदि आपने अपने अकाउंट में लॉगिन किया है तो आप इंस्पेक्शन पर टैप करके आवास का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और यदि आपने अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं किया है तो आप सिर्फ विवरण देख सकते हैं। इस ऐप में एक और फीचर है जो ऐप के कुशल संचालन में एक अहम भूमिका निभाता है, और वो है फीडबैक। यदि ऐप काम नहीं कर रहा है या आपको किसी भी फीचर को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है या ऐप कोई एरर दिखा रहा है, तो आपको केवल ऐप के होम पेज से मैसेज बटन पर टैप करना है। कॉन्टैक्ट अस /feedback विंडो खुल जाएगी। आपकी डिवाइस में से कुछ जानकारी जैसे कि मॉडल नंबर, ब्रांड, एंड्रॉइड वर्जन और ईमेल आईडी ऐप स्वयं प्राप्त कर लेगा। अपना मोबाइल नंबर एंटर करके एरर का वर्णन करें। यदि एरर ऐप को इस्तेमाल करते हुए आया है तो उस एरर का स्क्रीनशॉट विंडो में स्वयं ही दिखाई देगा। अगर आपने एरर का स्क्रीनशॉट लिया है तो आप अपनी मोबाइल गैलरी से उसे अपलोड भी कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करें। जानकारी संशोधन के लिए एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेज दी जाएगी और समस्या का समाधान हो जाने के बाद आपको इसके बारे में ईमेल भी भेजा जाएगा। आइए अब उन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको बेनिफिशियरी लॉगिन का इस्तेमाल कर इंस्पेक्शन करते समय याद रखना है। बेनिफिशियरी लॉगिन में फोटो खींचते समय सुनिश्चित करें कि GPS एक्यूरेसी कम अंकों में हो और जहां तक संभव हो सके सिंगल डिजिट की एक्यूरेसी वैल्यू को ही प्राथमिकता दें। हमेशा लाभार्थी के साथ इंस्पेक्शन साइट की 3 अलग एंगल से 3 फोटोज खींचने की कोशिश करें और जहां तक हो सके फ्रेम में पूरे घर को कवर करें। इससे वेरिफिकेशन ऑफिसर को 3 में से सबसे बेहतर फोटो चुनने का ऑप्शन मिल जाता है। हमेशा कोशिश करें कि विभिन्न चरणों यानी प्रपोज साइट से कंप्लीट हाउस तक की फोटो सेम एंगल से खींचें, ताकि उन फोटोज को आसानी से कंपेयर किया जा सके।
विभिन्न चरणों की फोटोज खींचते समय किसी स्थायी संपत्ति जैसे बिजली का खंभा या पेड़ को अपने फ्रेम में शामिल करने की भी कोशिश करें। फोटो अपलोड करते समय हमेशा नॉर्मल क्वालिटी में अपलोड करने का प्रयास करें। आवास ऐप पर आधारित तीन वीडियोस की सीरीज में हमने ऐप की बेसिक फंक्शनैलिटीज, इंस्पेक्शन लॉगिन मॉड्यूल, बेनिफिशियरी लॉगिन मॉड्यूल, एफटीओ ट्रैकिंग मॉड्यूल, डैशबोर्ड, क्यूआर कोड स्कैनर और अन्य बेसिक फीचर्स के बारे में सीखा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।